फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फरीसा क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी। तो जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा सिरेमिक मटेरियल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ उसके हम लोग प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, ग्लास क्या होता है, क्ले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में एब्रेसिव्स के बारे में, ठीक है। तो एब्रेसिव के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका कैसे बनता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, एन एब्रेसिव इज अ कॉमनली मेड ऑफ सिरामिक मटेरियल एंड एब्रेसिव इज हार्ड मैकेनिकली रेजिस्टेंस मटेरियल यूज फॉर द ग्राइंडिंग और कटिंग। तो हमारा एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है, ये सिरामिक मटेरियल्स होती है, ठीक है। तो सिरामिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये बहुत हार्ड भी होता है, जैसे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे, अगर ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा जो ग्राइंडिंग करता है, अगर आप किसी वेल्डिंग दुकान में जाओगे तो वो ग्राइंडिंग करने के लिए आपके पास एक कटर का ब्लेड लेके आता है जिसमें क्या ग्राइंडर रहता है, ठीक। तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स से बने होते हैं, ठीक। तो वो ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, उसमें जो एब्रेसिव्स होते हैं ग्रीन कलर का, किसी ब्लू कलर का रहता है, तो आपने ग्रीन कलर का जो देखा होगा एक प्लेट टाइप का, वो व्हील क्या होता है, एक एब्रेसिव मटेरियल से बना होता है, ठीक है। वो इतना हार्ड होता है कि एक लोहे को भी काट देता है, ठीक है। आपने लोहा वाला कटर देखा होगा, कटर क्या होता है, उसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है, कटिंग व्हील लगाता है, वो कटिंग व्हील क्या होता है, एब्रेसिव मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो नेचुरल एब्रेसिव के अगर एग्जांपल बताएं तो ये क्या, डायमंड भी क्या है, एक एब्रेसिव मटेरियल है जो नेचुरल यूज़ करते हैं, किसी पत्थर काटने के लिए, पहाड़ काटने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डायमंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स है जहाँ पे हम लोग डायमंड यूज़ करते हैं तोड़ने के लिए, काटने के लिए, वो भी क्या एक एब्रेसिव्स है, ठीक है। फॉर ग्रेनेड यूज़ करते हैं, ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग के लिए और अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, फ्लिंट ETC। तो सिंथेटिक में हमारा आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, एलॉय ऑक्साइड, ये सब क्या है, हमारा मैन मेड कार्बाइड है, ठीक है, मैन मेड एब्रेसिव मटेरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, थोड़ा हार्ड बनाते हैं, उसको ब्रिटल बनाते हैं, ताकि क्या हो, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, जो हम काटना चाहते हैं, जो हम ग्राइंड करना चाहते हैं, वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एब्रेसिव मटेरियल कैसे बनाते हैं, उसका कैसे उसका पाउडर टाइप का दिखता है, ठीक है। As a secondary phase, which is in the form of platelets. It helps to prevent the cracking of the abrasive grain. It essentially reinforces the abrasive grain, and this is very unique to our grain. Same consistent quality, and we've not replaced that quality because it's really difficult to get a better performing grain than what we've got today. We take great pride in the quality of the grain, how it's graded, its grading specifications, its low impurity levels, consistent quality. आप जो पाउडर का फॉर्म देख रहे हैं, तो क्या हमारा होता है? Grinding wheel का जो abrasive देखते हैं, वो हमारा abrasive particle होता है, ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं, ये व्हील जो आप देख पा रहे हैं, आप जो ये व्हील देख पा रहे हैं, ये क्या हमारा एब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है ये सारे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो दाने दिखते हैं, ये क्या एब्रेसिव पार्टिकल्स है, पाउडर के फॉर्म में होते हैं। इसका अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस देती है, ठीक है, कट फास्ट एंड कूल, जल्दी ली काट देती है और इजीली काट देती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी और अच्छी रहती है। तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है, हर इंडस्ट्री लेवल पे हमें इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस लगाते हैं, टेस्टिंग होती है, कंप्यूटर लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं, ग्रेन्स प्रॉपर जमा है कि नहीं जमा है, उसका अंदर में कहीं ब्लू होल तो नहीं छूट गए हैं, सब कुछ चेक करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, सिरेमिक मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग टेस्टिंग करते हैं, इस टाइप का पाउडर का फॉर्म हमें मिलता है, ये हमारा एब्रेसिव्स का पाउडर होता है, ठीक है। तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर कि एब्रेसिव्स पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करने जरूर कहिए, ठीक है।